हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज हेल्पिंग टू एक्सपोर्टर। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेल्प आप कैसे ले सकते हो। व्हाट इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है बिजनेसमैन का एक संगठन है जहां पे बिजनेसमैन इकट्ठा होते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बिजनेस लोकल में भी बिजनेस डेवलपमेंट की बातें करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते और वहां पे ट्रेनिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उसके मेंबर को बिजनेस नेटवर्किंग में और बिजनेस बढ़ाने में मदद करती है, मतलब पूरा हेल्प करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत सारी सर्विसेज है जो उसके जो मेंबर है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। टाइप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं बात करूं तो लोकल और रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यस, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो यहाँ पे आती है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो इंटरनेशनल बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। जैसे कि इंकोटर्म्स जो है वो लाइक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाती है, एलसी के रूल्स एंड रेगुलेशन और दूसरे जो भी इंटरनेशनल बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाती है और पूरे वर्ल्ड में उसको मान्य किया जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसको मान्य रखती है और जो उसके मेंबर जो लोग है वो उसको फॉलो करते हैं, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस इजी बनता है। तो आपको क्या करना है, आपके नियर बाय जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका विजिट कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि गुजरात है तो गुजरात में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो जो भी नियर बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे आप जा सकते हो, उसके मेंबर बन सकते हो। उसका फीस भी रहता है लाइक 1,000-2,000 डिपेंड, लाइक 500 डिपेंड रहता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से होता है। लाइक उसमें भी ऑर्डिनरी मेंबर बहुत सारे आते हैं, बट आप नॉर्मल जो है मेंबर, ऑर्डिनरी मेंबर आप बन सकते हो कि उसमें वोटिंग राइट, नॉन वोटिंग राइट बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट है। बट हमारे लिए क्या काम का है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हो। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको क्या हेल्प करेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेमिनार्स रखेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर सेमिनार्स रखेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा। विदेश से कोई डेलीगेट्स आता है लाइक हमारी कंट्री की विजिट करता है तो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आता है, और उसको बिजनेस करना है, बिजनेस का डेलीगेशन आता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर को इन्वाइट किया जाता है कि भाई रशिया से या जर्मनी से कोई डेलीगेशन आ रहा है, आप आ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन का भी काम करती है, तो गवर्नमेंट भी उसको क्या देती है, फंड देती है। उसको स्कीम है, जैसे कि कोई फार्मर लोग है कि बोले कि हमें फार्मिंग में अपडेट के लिए इजराइल जाना है और वहां पे क्या क्या टेक्नोलॉजी आई वो देखना है और हमें वहां यहां पे लाना है। कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में ऐसा करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फंड भी मिलता है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम भी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिलती है और उसके जो मेंबर है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनने का मेनली दो फायदा है। यहां पे देखिए, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है उसके जो मेंबर्स है उसका भी डायरेक्टरी उसके पास होता है, तो जो भी आपको सप्लायर चाहिए, मेन क्या होता है एक्सपोर्ट में सप्लायर चाहिए, तो आपको जो है सप्लायर भी चैंबर ऑफ कॉमर्स से मिल सकता है। और चैंबर ऑफ कॉमर्स के बाद विदेश का बायर का डायरेक्टरी भी हो सकता है, उसका भी काम है, बहुत सारा विदेश में काम करते रहते हैं, दूसरी चैंबर ऑफ कॉमर्स को कांटेक्ट करते, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास जो भी विदेश का डेटा होगा वो आपको मिलेगा, बायर का लिस्ट उसके पास अवेलेबल होगा। देखो मैं यहां पर बता रहा हूं अवेलेबल होगा तो वो आपको दे सकते हैं। फिर चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकाल के देती है, तो आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका बायर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगता है तो चैंबर ऑफ कॉमर्स से निकालना है, तो कोई भी रीजनल चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है हमको निकाल के दे सकती है। तो आप उसके मेंबर हो तो बहुत अच्छी बात है, कंपलसरी नहीं है, चैंबर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है सबको देती है। आप मेंबर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आसानी से मिल जाएगा और आपको उसका चैंबर ऑफ कॉमर्स का वर्किंग का भी पूरा आइडिया रहेगा, क्योंकि आप मेंबर हो तो वहां पर मीटिंग्स वगैरह में आप जाते रहे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, सब लोग आपको जानते पहचानते चैंबर ऑफ कॉमर्स में, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सर मेंबर बनने से क्या फायदा है हमारा, लाइक 1,000-2,000 दे, हम इंडिया में क्या होता है कुछ भी लाइक पेमेंट देते हैं तो उसका फायदा क्या है, पहले जानना चाहते हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लाइक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बायर सेलर का डेटा मिलेगा, और आपको क्या चाहिए, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस मिले बहुत ही अच्छी बात है, और एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा और आपके जैसे ही बिजनेसमैन लोग मिलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चैंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनना बहुत ही अच्छी बात है। और चैंबर ऑफ कॉमर्स लाइक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट करती है, कोई लोकल में भी ट्रेड शो या एग्जीबिशन है तो चैंबर ऑफ कॉमर्स अपना स्टॉल भी लगाती है, तो वहां अपना मेंबर का भी डायरेक्टरी भी बेचती है, वहां से भी आपको कोई लोकल बिजनेस के लिए भी लीड आ सकती है और फॉरेन बिजनेस के लिए भी लीड आ सकती है। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है अपने मेंबर को हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है और पूरा सपोर्ट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए
चाहिए बिजनेस रिलेटेड, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल सकती है। कोई डायरेक्टरी चाहिए, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स डायरेक्टरी देता है वो अच्छी डायरेक्टरी होगी, उसके मेंबर की होगी, तो जो सप्लायर भी है आपको ट्रस्टेड सप्लायर भी मिलेंगे और वो कुछ बायर का भी डेटा देते तो भी अच्छा होगा। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको बात बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे इंडिया में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो देखिए विदेश में समझो न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगी, यूके में लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगी, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। समझिए आप कोई लाइक स्टील का रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो तो स्टील की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमेरिका में तो होगी ना, और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी होगी, न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर होगी या कैलिफोर्निया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर होगी। आप कैलिफोर्निया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मेल करो कि हमें आपके जो मेंबर है उसका लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? उसका लिस्ट चाहिए। तो उसमें जो है लाइक स्टील की जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आ जाएगी, उसको आप मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि हम स्टील के रॉ मटेरियल सप्लायर है, स्टील की जो भी प्रोडक्ट आती है उसके सप्लायर है, क्योंकि उसको लगने वाला है, वो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे बनाते हैं या असेंबल करते हैं। असेंबल करते तो बहुत अच्छी बात है, रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट हम यहाँ से भेजेंगे, वहाँ पे असेंबल करेंगे, तो ऐसे भी आप बायर ढूंढ सकते हो। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है यहाँ के भी यूजफुल है, विदेश के भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूजफुल है, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यूज कीजिए और आगे बढ़िए और एक्सपोर्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स गो ग्लोबल together. Thank you.